समर्पक संपर्क में था, तो मेरे कुछ समर्थक साथ में थे। आगे महिलाएं थीं, उन महिलाओं को पकड़ करके उन पर लाठी डंडे चलाए हैं, जैसे कि मैंने वीडियो देखी है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है, इस तरह की ओछी हरकत नहीं करनी। वो असामाजिक तत्व हैं जिनके अपने कुछ आइडेंटिफाई हो चुकी है, लोगों के संज्ञान में है, कुछ और होने जा रही है। तो वो असामाजिक तत्व है, वो भारतीय जनता पार्टी के अपार समर्थन के लिए उसकी जीत को दिखाई देते हुए बौखलाहट में उन्होंने ये कदम उठाया। सम्मानित क्षेत्रवासियों से अपील करना चाहता हूँ, कानून व्यवस्था बनाए रखें, लोकतंत्र का सम्मान करें, चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार ही चुनाव कराएं। और सबसे मैं निवेदन करूँगा धैर्य के साथ में कि बहुत ही शांतिपूर्वक चुनाव होना चाहिए, किसी तरह से भी कहीं कोई घटना ना हो। मैं इस क्षेत्र की जनता से अपील करता हूँ, आप धैर्य के साथ में मतदान करें। 10 फरवरी को शांतिपूर्ण मतदान हो पाएगा आज की घटना को देख के? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर है, बहुत अच्छी कानून व्यवस्था है। अब वे कहीं भी कोई छत पर खड़ा होकर क्या हरकत कर सकता है, नीचे आके अकेली महिलाओं पर हमला कर सकता है। अब मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि प्रशासन पूरा इसमें सहयोग करेगा और ऐसे असामाजिक तत्व के खिलाफ कार्रवाई करेगा। सोशल मीडिया पे छपरौली विधानसभा के वर्तमान विधायक श्री सहिंदा रमाला जी के समर्थकों के साथ मारपीट करने के कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं। वीडियो के आधार पर कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, जिसमें 3 व्यक्तियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आइडेंटिफिकेशन की कार्रवाई प्रचलित है, अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा किया जा चुका है, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।